भाई तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। दिस इज़ अनुराग दीक्षित और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठशाला डिफेंस में। तो आज हम लोग वाई ग्रुप के लिए एयर स्ट्राइक का पार्ट 3 में क्वेश्चंस जितने भी हैं बहुत सारे उनको डिस्कस करते हुए आज आगे बढ़ेंगे। दो पार्ट आपने एयर स्ट्राइक के देख चुके हैं जिसमें आपको मिक्स क्वेश्चन मिलते हैं बहुत सारे, उनको करने के शानदार तरीके मिलते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3, ठीक है। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एयर स्ट्राइक का पार्ट नंबर 3। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो होगा आपके सामने यहाँ पर दिख जाएगा, काफ़ी बड़ा सा, जिसमें आपको समस्याएं नहीं होंगी, अब क्वेश्चन भी आपको बड़ा दिख जाएगा। चलिए तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस तरीके से दिखने लगा। हाँ, क्या कह रहा है? कह रहा ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी मिलकर इसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ये भी ठीक है। अब आगे कह रहा है यदि ए की क्षमता सी से 2 गुनी है, बात मानी गई कि ए की क्षमता जो है वो सी से 2 गुनी है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? और ऑप्शन है 60, 130, 20 और 15। चलो देखते हैं क्या कह रहा था। कह रहा था ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी इसे 15 दिन में कर सकते हैं, ये 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी अगर मिलकर काम करते हैं तो इसे 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, सवाल का कॉन्सेप्ट अगर एक बार दिमाग में फिट हो गया तो उस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे ये कह रहा है कि ए की क्षमता सी से 2 गुनी है, द एफिशियंसी ऑफ ए इज द ट्वाइस ऑफ द एफिशियंसी ऑफ सी। ए की क्षमता अगर सी से 2 गुनी है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ क्षमता यानी कि एफिशियंसी, ठीक है, क्षमता 2 गुनी है। तो अब आपसे कह रहा था बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क, सेम वर्क, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, यानी टोटल वर्क हो गया भाई अपने पास 60। और अगर टोटल वर्क 60 हो गया तो ये पता चल गया कि ए और बी एक दिन में 5 की एफिशियंसी से काम करेंगे, जबकि बी और सी एक दिन में 4 की एफिशियंसी से काम करेंगे, राइट, ठीक है। अब देखो जरा, बी तो दोनों में कॉमन है लेकिन ए और सी के लिए रिलेशन ये दिया है कि ए की एफिशिएंसी सी से 2 गुनी है। तो ए की एफिशिएंसी अगर सी से 2 गुनी है तो बी कितनी होगी, अगर यही बी पता चल जाए तो बी का ही काम आपसे पूछा गया था, ठीक है ना। जरा देखो, मैं थोड़ी देर के लिए कह देता हूं कि क्षमताएं जो है ये इसी रेशियो में है, ये 2 होगी, ये 1 होगी। अब A प्लस बी टोटल 5 थी तो उस हिसाब से B की होनी चाहिए 3, मैंने मान लिया 3। और अगर इनकी 4 थी तो यहां से भी B की 3 आ जाएगी, यानी B की दोनों तरफ से 3 होगी क्षमता, चेक करना जरूरी है, ठीक है। देखो 3, 2, 5 से ये 12 के हिसाब से 60 काम हो जाएगा अकेले पर, और 3, 1, 4 के हिसाब से भी देखो तो 60 काम कर लेगा, यानी इतनी बात सही आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा था बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहेगा, तो बी के लिए पता है कि 60 काम है और इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई है, 3 आ गई है, तो इस हिसाब से ये पूरे काम को अकेले 20 दिनों में खत्म कर देगा। तो यही हो गया आपके सवाल का उत्तर कि 20 दिन में क्वेश्चन ओ जो सवाल था जो काम था टोटल वर्क कैन बी डन अलोन बाई बी इन जस्ट 20 डेज, ठीक है। बात समझ आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलो स्क्रीनशॉट लेते रहना, कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं कर रहा हूं इसको रफ और बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर, ठीक है। चलो फटाफट से, बहुत तेजी से, क्योंकि स्ट्राइक है एयर की, है ना, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो, और मैं आपको एनडीए के भी पेपर सॉल्व कराने वाला हूं बहुत जल्दी, क्योंकि एनडीए का भी पेपर था लेकिन वो भी डिले होने के चांसेस हैं। लेकिन चलिए, खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन आज आपके सामने आ रहा है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है 2 समान आयतन के बर्तनों में जल और दूध के मिश्रण क्रमशः 3, 4 और 5, 3 के अनुपात में है, इन दोनों मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में मिला दिया जाता है। अब तीसरे बर्तन में दूध, जल और दूध का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, ऑप्शन भी आपके पास चारों दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखो, 2 बर्तन थे, मान लो एक ये था, इसमें रेशियो था 3 और 4 का, और एक बर्तन ये था जिसमें रेशियो था कितने का, 5 और 3 का। ये किसके किसके रेशियो है, ये रेशियो है
वाटर और मिल्क है, ये वाटर है ये मिल्क है, ये वाटर है ये मिल्क है, ठीक है। कह रहा है कि अब इन्हीं दोनों को किस रेशियो में तीसरे में मिला दिया जाए, यानी एक तीसरा बर्तन है यहां पर, इस तीसरे में किस रेशियो में मिला दें, वाटर और मिल्क को किस रेशियो में मिलाया जाए, इनका इस तीसरे बर्तन के लिए रेशियो पूछ रहा था। सो सिंपल क्वेश्चन, करना क्या है, कुछ लोग इसमें फ्रैक्शन बना लेते हो, देखो कुछ जरूरत नहीं है। देखो टोटल इस बर्तन में 7 की क्वांटिटी होगी, इसमें 8 की होगी, तो इस जो 7 और 8 आया है इसका आप एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 56, राइट आ जाएगा। अब 56 का हिसाब देखो तो यहां पे टोटल क्वांटिटी रेशियो के दिख रही है 7, और यहां पे टोटल क्वांटिटी दिख रही 56। 56 इसलिए लिया गया है ताकि दोनों बर्तन में जो क्वांटिटी थी अलग अलग उसको मैं इक्वल कर सकूं, क्लियर। तो 7 8 56, यानी कि 1 की वैल्यू 8 आएगी इस हिसाब से, 1 का वैल्यू 8 है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 8 3 24, और 4 की कितनी हो जाएगी, 8 4 32, 8 7 56, यानी 1 की वैल्यू यहां पर 7 आ जाएगी उस हिसाब से, अगर इसको देखोगे तो ये हो जाएगी 35 और ये हो जाएगी 21। अब यही मिलाना है आपको, तो क्या होगा, वाटर वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, यानी 24 प्लस 39 ये हो जाएगा आपका 59, और ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा 53। तो तीसरे बर्तन में वाटर और मिल्क का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 59:53। क्या कोई ऑप्शन दिया था, दिया था भाई, ऑप्शन नंबर डी है ये, ठीक है, तो ये डी ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। एनी वन हैव एनी डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सो इजी क्वेश्चन था, है ना, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मूव ऑन टू द नेक्स्ट लोकेशन वेयर वी हैव टू ड्रॉप द बॉम्ब बिकॉज दिस इज द एयर स्ट्राइक, ठीक है। चलिए, और आप लोग सोल्जर्स हैं, आप लोग एयर कमांडोज हैं, तो आपको बम तो गिराना ही पड़ेंगे क्योंकि आप एयर स्ट्राइक कर रहे हो, है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है। ये रहा, कह रहा एक टंकी की लंबाई है 200 मीटर और चौड़ाई है 150 मीटर। एक चीज तो कंफर्म हो गई कि टंकी का जो शेप होगा वो होगा रेक्टेंगुलर, जिसमें 0.03 मीटर इंटू 0.02 मीटर अनुप्रस्थ काट वाले एक पाइप से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी गिर रहा है, ठीक है। टंकी में पानी की सतह की ऊंचाई को 8 मीटर तक पहुंचाने में कितना समय लगेगा, टंकी में इतने की ऊंचाई से 8 मीटर तक पहुंचाने में कितना समय लगेगा। जरा देखो भाई, क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, जरा समझो, एक टंकी है, देखना जरा टंकी, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 200 मीटर और चौड़ाई है 150 मीटर। देखना भाई, इसकी लंबाई है टंकी की 200 मीटर और इसकी चौड़ाई है 150 मीटर, ठीक है। इसमें पानी गिर रहा है इसी इसी तरीके के शेप वाले पाइप से, ठीक है, गौर करना जरा मेरी बात को, जिस पाइप का शेप इसी तरीके का है, रेक्टेंगुलर है, उसमें पानी के फ्लो से यहां से पानी इसमें बह रहा है, गिर रहा है, ठीक है, इस तरीके से पानी गिर रहा है, राइट। अब जो इस पाइप में पानी की रफ्तार है, वो पानी की रफ्तार कितनी दे रखी है, पानी की रफ्तार दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इसकी चौड़ाई दे रखी है 0.02 मीटर और लंबाई दे रखी है 0.03 मीटर, ठीक है। इसमें पानी की रफ्तार जो है, जिस स्पीड से पानी बह रहा है, वो है 20 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे इसमें एक चीज और पूछ रहा है, जरा गौर करना इस वाले में, अगर इस टंकी को मैं ऐसे बना दूं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, थोड़ा 3D फॉर्म हो जाएगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में, ठीक है, थोड़ी 3D फॉर्म आ जाएगी। ये जो टंकी थी ये 200 मीटर लंबी थी, ठीक है, 150 मीटर चौड़ी थी। अब कह रहा है अगर इसी टंकी में आपको 8 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरना है, मान लो ये 8 मीटर है, यहां तक ऊंचाई में पानी भरना है, तो कितना टाइम लगेगा, ये तो पूछ रहा है ना, कितना टाइम लगेगा ना, कितना समय लगेगा। तो देखो भैया, मैं आपको क्या बता रहा हूं वो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। इस पानी के पाइप से इस टंकी में पानी जाएगा, जाएगा ना, जरा देखना, मैं कह देता हूं, देखो ये पानी की जो पाइप था इसकी लंबाई थी 0.3 मीटर, चौड़ाई थी 0.2 मीटर, लेकिन इसमें जो पानी का फ्लो होता है, ध्यान रखना, किसी भी पाइप में जो पानी का फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड द हाइट ऑफ दैट पाइप, ठीक है, वही उस पानी के पाइप की ऊंचाई कहलाता है। लेकिन अब यहां पर किलोमीटर है तो आपको पता है कि
एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मैंने यहाँ मीटर लिख दिया और ये टाइम लगा दिया, ठीक है, 20 के साथ, क्यों, क्योंकि सारी यूनिट और जो थी वो मीटर में थे। अब ये किस में पानी भर रहा है, ये पानी भर रहा है 150 मीटर चौड़ी 200 मीटर लंबी टंकी में 8 मीटर की ऊंचाई तक इसको पानी भरना था। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप वैल्यू निकाल लोगे अगर किसकी, पता है आपको टी की, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे निकालोगे जरा देखो, इस दो पॉइंट से ये दो जीरो खत्म कर देते हैं, खत्म कर दिए। अब देखो यहाँ पर ये 200 हो गया, इस 200 से 200 कैंसिल हो गया, 3 2 6 हो गया, 6 से इसको कैंसिल कर दें, 6 2 12 और 6 5 6 30 खत्म हो गया ये 6 से। अब ऊपर कुछ बचा नहीं, ऊपर बचा है टी, और इधर क्या बचा, 25 8 200, तो आपको कितना समय लग जाएगा, 200 घंटे का समय लग जाएगा और सवाल खत्म हो चुका है। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल, ठीक है, लेकिन सवाल में अगर इसको पढ़ने में कहीं से मिस्टेक हो गई या इसका डायग्राम या इसको कैलकुलेट करने में कहीं दिक्कत हो गई, तो इतना जो मेहनत है ना वो आपकी बेकार हो जाएगी, और जबकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। आई थिंक दिस इज द सो सिंपल क्वेश्चन, नॉट अ रॉकेट साइंस, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको रफ करना, ठीक है। इसको मैं करता हूं रफ, आने वाला है आपके सामने आपका अगला प्रश्न। चलो भाई, तो ये है आपका अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, 2+√3/2-√3, ठीक है। फिर कह रहा है प्लस बीच में लगा हुआ है 2-√3/2+√3, फिर प्लस लगा हुआ है √3+1/√3-1, ठीक है। तो जरा देख लो, 2+√3/2-√3+2-√3/2+√3 और फिर प्लस था √3+1/√3-1, राइट। ये तो क्वेश्चन था, कह रहा था इसकी वैल्यू बतानी है। आपको क्या लगता है क्वेश्चन कठिन होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। देखो करोगे क्या, इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लो और इसको अलग करके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, सवाल खत्म हो जाएगा। जरा देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, 2+√3 यानी कि a² + b² यानी 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 7 ही बन जाएगा, प्लस बन जाएगा 2ab का मतलब हो जाएगा 4√3, ठीक है। और 2 - इसका स्क्वायर ये बन जाएगा 7 - 4√3, नीचे क्या आ जाएगा, a+b a - b यानी 1, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे कॉन्जुगेट से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर बन जाएगा √3+1² यानी कि a² + b², तो 3 और 1 4 और प्लस हो जाएगा +2√3, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा √3 यानी 3 3 - 1 यानी कि 2, ठीक है। अब जरा देखो इससे अगर काटोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपने पास ए भी कैंसिल हो गया, तो 7 7 14 इधर आया, प्लस इधर क्या बचेगा 2+√3, तो 16 और +√3 ये आपका उत्तर हो जाएगा, 16+√3 दिस इज योर आंसर, ठीक है। बहुत कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था, आंसर हो जाएगा पहला वाला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खत्म हो गया सवाल। देखने में लग रहा था बड़ा है, लेकिन आपकी अगर प्रैक्टिस है ना इसी तरीके से जैसे अभी मैंने आपको करके बताया, तो ये जो सवाल है ये बिल्कुल चुटकियों का खेल हो जाते हैं, बिल्कुल कोई कठिन नहीं रहे। देखो ये तो मैंने सवाल लिखा है, दूसरी लाइन में उत्तर आ गया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना, अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर जा रहा है। चलिए क्या कह रहा है, 1 2 2^(173) में इकाई का अंक क्या होगा, आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि 1 2 2^(173) इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी, इकाई का अंक क्या होगा, तो यूनिट डिजिट निकाल ली है। इसमें पढ़ा सभी ने होगा नंबर सिस्टम में, क्या करते हैं यूनिट डिजिट निकालने के लिए, दी हुई पावर को सबसे पहले तो हम लोग किससे डिवाइड कर लेते हैं, 4 से, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करोगे तो इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिलेगा। अब जब रिमाइंडर 1 मिल गया और जो बेस नंबर है उसमें यूनिट डिजिट क्या है, 2, उधर रिमाइंडर जो था वो यहां लिख देते हैं ना, तो 2^(1) रिमाइंडर कितना था, 1, 2^(1) मतलब 1, यानी इसका जो यूनिट डिजिट होगी, इकाई अंक होगा, वो कितना हो जाएगा, इसकी यूनिट डिजिट होगी 2। सवाल खत्म हो गया, ठीक है। अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है
ये वाला। तो आप मुश्किल से मुश्किल, ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 सेकंड के अंदर इसका आंसर क्लिक कर दोगे। लेकिन अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आपको पहले पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, फिर आप इसको कर पाओगे, और थोड़ी सी प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ेगी। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट एंड यू आर बी रेडी टू योर सेल्फ टू गिव द एग्जाम ऑफ एयरफोर्स, डिफेंस के एग्जाम में ढीला ढाली तो चलेगी ही नहीं, समझ रहे हैं। देश की सेनाओं पर लोगों को बहुत भरोसा है और देश को भरोसा है कि मेरे पास इस तरीके के कैंडिडेट आएंगे जो किसी भी प्रकार से अपने आप को ढीला करने की कोशिश नहीं करेंगे। और मैं भी आपसे यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को ढीला नहीं होने देंगे। तो प्लीज़ करते रहिए, हम लोग इस समस्याओं से, इस COVID-19 से बाहर निकलेंगे और फिर से बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। लेकिन तब तक घर से या यहाँ से पढ़ते तो रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहा है, और आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार के जो सवाल होते हैं, जैसा आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इस प्रकार के सवालों को आप नीचे से ऊपर की तरफ ही किया करो तो बड़े सरल हो जाते हैं, ठीक है। तो बताने की जरूरत है क्या इसको, एक बार कोशिश करिएगा नीचे से ऊपर की तरफ, जहां लिखा है 1 + 2/√3, इसको यहाँ से शुरू करिएगा और नीचे से ऊपर की तरफ करने की शुरू करिएगा, ठीक है। तो कोशिश करिएगा, अगर ये नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा ऑप्शन आपके सामने है, वैसे इसको बताने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, ठीक है। तो अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सवाल कह रहा है यदि 2^31 को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। जरा देखो भाई, बहुत सरल क्वेश्चन टाइप का है, कह रहा है 2^31 है और इसको अगर आप 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, शेष क्या मिलेगा, ये आपसे पूछ रहा है। अगेन नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सरल होता है। अगर आपको पता है कि 2^31 को यू हैव टू डिवाइडेड बाय 5, देन व्हाट विल यू डू। तो आपको पता है कि इसमें एक मेथड लगता है जिसको हम लोग कहते हैं टोशेंट मेथड, क्यों, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि जिससे मुझे डिवाइड करना है ये तो प्राइम नंबर है और अभाज्य संख्या प्राइम नंबर भी है और विषम संख्या भी है दोनों, यानी कि क्वेश्चन कुछ ऐसे कह रहा है और शेषफल बताना है। तो जब हम इसमें टोशेंट मेथड अप्लाई करते हैं तो हम करते क्या है कि जब देख पाते हैं कि हमें जो है जिस संख्या से डिवाइड करना है वो अभाज्य संख्या है या विषम संख्या है, तो करते क्या है, इसका टोशेंट क्या होगा, इससे 1 कम 4। अब इसी 4 से जो पावर है उसको डिवाइड करके रिमाइंडर जो होता है वो निकाल लेते हैं। तो भाई 4 × 7 = 28, 3 बचेगा यानी 2^3 आएगा और 2^3 होता है 8। तो 8 जो है अभी भी इस 5 से बड़ा है, तो एक बार इसको 8 को 5 से और डिवाइड कर दोगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 3 आएगा कि नहीं रिमाइंडर। तो आपका उत्तर भी यही हो जाएगा जो शेषफल पूछ रहा था, तो उत्तर भी हो जाएगा 3 is your right answer, क्लियर, समझ आया। टोशेंट मेथड जितने लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत बढ़िया मेथड होता है, वेरी गुड मेथड, मतलब वेरी गुड कॉन्सेप्ट, जिसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना इस टोशन मेथड, वो सवालों को इतनी तेजी से उड़ाएगा ना, बिल्कुल यूं हवा, मजा आ जाएगी उसको, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या है, आने वाला है आपकी स्क्रीन पर, चलो भाई, और ये आ गया, कह रहा दो तत्व हैं P और Q को उनके आयतन के आधार पर, आयतन के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर वॉल्यूम्स 5 और 8 के अनुपात में तथा उन अथवा या फिर उनके भार के आधार पर 4 और 5 के हिसाब में बांटा गया, ठीक है। कहता है मिश्रण तैयार किया जाता है, कह रहा समान आयतन रखने वाले P तथा Q के भारों का अनुपात क्या होगा। देखो क्या है ना, एक क्वेश्चन जब आपने ऑप्शन दिए थे, ये क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे थे तो ये क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे यार ऐसे कैसे पॉसिबल है, इतना कठिन क्वेश्चन कैसे आ सकता है। लेकिन जब आप इसको करोगे तो ये 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, कैसे जरा देखो। सवाल था कि 5 और 8 के रेशियो में वॉल्यूम्स में था ना, P और Q थे, तो इनके आयतन का जो रेशियो था वो था 5 और 8 का, ठीक है, और इनके वेट का जो रेशियो है, वेट का यानी भार का, कह रहा था वो रेशियो बनता था कितना, 4 और 5 का, ठीक है, 4 और 5 का। अब कह रहा है इनको अगर हम
ये पी और क्यू को अगर हम समान आयतन वाले हिस्सों में बांटते हैं, समान आयतन में, यानी वॉल्यूम बराबर करना है, तो वेट का रेशियो क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया, देखो कितना सरल क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, यही कर देते हैं। पी क्यू, वॉल्यूम का रेशियो था 5 और 8, तो 5p इसको कर देते हैं, 8p इसको कर देते हैं, क्यू था ना, ठीक है। और अगर इनके आयतन जब ये 5 और 8 के रेशियो में होते हैं तो वेट का रेशियो क्या होता है? इनके वेट का जो रेशियो बनता है वो वेट का रेशियो होता है 4:5 का, ऐसा क्वेश्चन में दिया था। ये बात को हमने इस फॉर्म में लिखा और कुछ भी नहीं किया, ठीक। अब अगर इनका कह रहा है वॉल्यूम बराबर करना है, तो भाई 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से इसमें कर दोगे, 8 से यहाँ हो जाएगा, 5 से यहाँ हो जाएगा। तो कह रहा था वेट का रेशियो क्या होगा, भाई वेट का रेशियो क्या हो जाएगा, 32 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 25, यही आपका उत्तर हो जाएगा। सवाल खत्म हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं, बोलो कुछ है? ये तो केवल समझने की बात थी, है ना, या फिर आप क्या करते, यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो भी आपका उत्तर आ जाता, 32 ये हो जाता, 25 ये हो जाता, क्लियर है? समझ आई नहीं बात? बहुत सरल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक, बढ़े आगे। ओके, हाँ, और आपसे एक चीज़ और, अगर आप सारी चीज़ों को, सारे वीडियोस को, चीज़ों को देखना चाहते हैं एक साथ आपको चाहिए हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होगा, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देने हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। यू हैव टू डाउनलोड जस्ट माई पाठशाला का लर्निंग ऐप, इसको आप डाउनलोड कर लो, सारी चीज़ें आपको असेंबल फॉर्म में एक ही जगह उपस्थित होकर मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियोज़, प्लेलिस्ट, वट एवर यू वॉन्ट, लेक्चर, टीचर के लेक्चर, कौन से टीचर के लेक्चर चाहिए, कौन से नहीं चाहिए, सारी चीज़ें, ठीक है, सब कुछ एक वे में, यानी एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। अगला सवाल पेश किया जाए बच्चों के सामने, चलो भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया है, कह रहा है 240 घन सेंटीमीटर में जल और ग्लिसरीन के आयतन का अनुपात 1 और 3 के अनुपात में है, इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए, वो भी घन सेंटीमीटर में, यानी सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में ग्लिसरीन, यानी जल और ग्लिसरीन का जो रेशियो है वो कितना हो जाए, 2 और 3। ऑप्शन दिए हैं 55, 60, 62.5 और 64। जरा देखो क्या क्या चीज़ें थी इसमें, था वाटर और ग्लिसरीन, जरा ध्यान से देखना, वाटर और ग्लिसरीन किस रेशियो में थी, 1:3, ठीक है, और टोटल क्वांटिटी थी शुरुआत में 240 सेंटीमीटर क्यूब, लाइक दैट, ठीक ही नहीं थी, ठीक है, आगे बढ़े। कह रहा था इसमें मिलाना क्या है, इसमें पानी मिलाना है, भाई इसमें मिलाना है पानी, तो पानी अगर हम मिलाना है तो हमने प्लस लगा दिया पानी के सामने, और जब पानी आपने कुछ मिला दिया तो पानी मिलाने के बाद एक्चुअल में हुआ ऐसा है कि वाटर और ग्लिसरीन का जो रेशियो था वो हो गया 2 और 3 का, 2 और 3 का, ठीक है, कितने का हो गया, 2 और 3 का रेशियो हो गया। तो अब आपसे पूछ ये रहा है कि बताओ कितना पानी मिलाया है, ठीक है, उसके लिए आपको ऑप्शन दिया। देखो जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक चीज दिख रही होगी कि अगर पानी मिलाया गया है तो इसका मतलब पानी मिलाया गया, यानी दूसरा जो जो हमारे पास एलिमेंट था यानी ग्लिसरीन, उसमें कोई हमारे छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो उसको आपको जो ग्लिसरीन का रेशियो है यू हैव टू इक्वलाइज दैट रेशियो, इक्वल करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ यहाँ पे ग्लिसरीन का रेशियो तो इक्वल ही है, बराबर ही है, इसको करने की जरूरत नहीं, इसका मतलब ये हुआ सवाल बहुत सरल हो गया। कैसे, जरा देखो ध्यान से सुनना, आप देख पा रहे हो ना शुरुआत का रेशियो टोटल 4 का है और क्वांटिटी थी 240 की, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। अब सिर्फ और सिर्फ पानी मिलाया गया, तो ये देखो बच्चे कि पानी शुरुआत में 1 के रेशियो में था, अभी 2 के रेशियो में हो गया, यानी सिर्फ और सिर्फ 1 के रेशियो में पानी बढ़ा है, और इस 1 की वैल्यू आपने निकाल चुकी है, 60 है सेंटीमीटर, यानी कि कितने लीटर, कितने सेंटीमीटर क्यूब पानी मिलाया गया, कितने सेंटीमीटर पानी मिलाया गया था, 60। दिस इज योर आंसर, कितना सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, थोड़ी सी चीजों को समझना था, राइट, कितना सिंपल है कि नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और देखने में कितना भयानक लग रहा था वैसे ही होता है, यही काम आप लोगों को आगे चलकर देश के लिए करना है, जो आतंकवादी देखने में बहुत भयानक लगे उसको जरूर मारना साले को, ठीक।
ठीक है, जैसे आजकल क्या चल रहा है, तबलीगी जमात मानते नहीं है, कुछ भी कहो मान ही नहीं रहे। तो एक संस्कृत में कहावत है सठे साठ्यम समाचरेत, इंग्लिश में टिट फॉर टैट, तो इनको वैसे ही देना पड़ेगा तभी जाके समझेंगे, है ना। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन जाहिलों की बात कर रहा हूँ जो इस बात को मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। कल कानपुर में एक केस था कोरोना पॉजिटिव का, आज 7 हो गए, 6 नए पकड़े गए और 6 के 6 तबलीगी जमात। ठीक है, चलिए आप लोगों को इस चीज़ों से COVID-19 से, क्योंकि आप लोग डिफेंस के बंदे हो यानी डिफेंस की सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको इन सब चीज़ों से अवेयर रहना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि चीज़ें क्या हो रही हैं, क्योंकि ये देश आपको सुरक्षित हाथों में हमेशा के लिए रखना है अगर आप इनके लिए प्रिपेयर हो रहे हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अभी आपकी इनिशियल स्टेज है, शुरुआत की स्टेज है, इसलिए आपको अभी से अपने मेंटल प्रिपेरेशन ये रखनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या आपके पास कोई सुझाव है इस तबलीगी जमात के उत्पात को रोकने के लिए, COVID-19 से देश को बचाने के लिए। ठीक है, इसका कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा, मैं पर्सनली आप लोगों के मैसेजेस को पढ़ूंगा, और उसके साथ अपने फ़ोन नंबर भी ज़रूर डालिएगा। ठीक है, फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी, तो होगा उससे ये कि मैं पढ़ूंगा और जिसका मुझे चीज़ें अच्छी लगेंगी, जो मुझे पता लगेगा उसको मैं आगे भी फॉरवर्ड करूंगा और मैं उस बच्चे से खुद से बात करूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, और ये आ गया है आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्या कहता है, कह रहा 15 और 25 के उभयनिष्ठ गुड़जों में 500 के कितने, 500 के निकटतम गुड़ज हैं। ठीक है, 500 के उभयनिष्ठ निकटतम गुड़ज समझते हो, उभयनिष्ठ का अभी आप क्वेश्चन पढ़ते रहो, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, गुड़ज का मतलब होता है मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस पता है ना, देखो मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस ये होता है, अभी इसको क्वेश्चन हटा रहे कि फैक्टर्स हमेशा या तो वही संख्या होगी या उससे छोटी संख्या होगी। फैक्टर्स मल्टीपल क्या होगा, या तो सेम नंबर होगा या उस सेम नंबर से बड़ा नंबर होगा, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन कह रहा है किसके किसके मल्टीपल देखने हैं उभयनिष्ठ को, 15 और 25 के कॉमन मल्टीपल। तो मैं ये समझता हूँ कि 15 और 25 का जो पहला कॉमन मल्टीपल होगा फर्स्ट, वो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा कि नहीं होगा, यानी कि 75। पहला कॉमन मल्टीपल जो 15 में की टेबल में भी आता होगा और 25 की भी टेबल में भी आता होगा, दैट्स मीन 75 इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 25 एंड 15, राइट। अब आपको क्या करना है कि आपको देखना है 500 तक ऐसे कितनी चीजें होंगी, है ना। सो सिंपल क्वेश्चन है, अगर 500 तक आपको देखना है तो आपको ये पता है कि 75, उसके बाद अगला इसी के रेशियो में बढ़ेगा, बढ़ेगा ही नहीं, बोलो हाँ है ना, तो अगला हो जाएगा 150, फिर क्या हो जाएगा, 150 में आप 75 जोड़ दोगे तो 150 टेबल करनी है, 225, 300, 375, 450, 525, और फिर उसके बाद 525 यानी कि 500 तक गया। अब आपसे यही पूछ रहा था ना, 500 तक या 500 के निकटतम तक, निकटतम यानी 500 के निकटतम पहुंच गए तो 525 हो गया, कम नहीं कहा था, निकटतम का, निकटतम का मतलब क्या होगा, क्लोजली, तो ये कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, दोनों में कोई बात हो सकती है। तो अब बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, तो कितने मिले आपको मल्टीपल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, जितने इस वक्त कानपुर में कोरोना पेशेंट है उतने ही इसके मल्टीपल मिले। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, 7, राइट, क्लियर है, सही आंसर क्या हो जाएगा, 7। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्या है और आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। हाँ, आपसे कह रहा है कि 8000 को रुपए 8000 को CI की दर से यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित करने पर आफ्टर 3 ईयर 3 वर्ष के पश्चात वी गेट द 1261 रुपीज एज अ इंटरेस्ट, हमें 1261 रुपए इंटरेस्ट में मिलते हैं, देन फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, सवाल को एक बार समझ लीजिए और देखिए जरा कितना सरल क्वेश्चन है और मैं आपको कितने सरल तरीके से बताता हूँ। देखो 8000 रुपए थे, ये हमारा प्रिंसिपल था, ठीक, इस पर आपको 1261 इंटरेस्ट मिला, तो अगर 8000 रुपए पर आपको 1261 रुपए इंटरेस्ट मिल जाता है तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो 9261 होगा, और ऐसा होता है 3 साल में,
तो अब आपको प्रिंसिपल भी पता है, अब आपको अमाउंट भी पता है, यानी मूलधन और मिश्रधन दोनों पता है, और सवाल सीआई का है, उसके साथ साथ आपको टाइम भी पता है। अब ऐसे क्वेश्चन को करना क्या होता है, जब आपको प्रिंसिपल भी पता हो, अमाउंट भी पता हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है और टाइम पता है, तो आपको करना ये होगा, हमेशा याद रखिएगा कि जितना भी टाइम दिया है, अगर ये 2 होता तो स्क्वायर रूट लेते हैं, अगर 3 है तो क्यूब रूट लेंगे, अगर 4 होता तो 2 बार स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, तो 3 है तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा, यानी 8000 का क्यूब क्या होता है 20, और इसका क्या होता है क्यूब शायद 21, है ना, हाँ 21। अब आप देखो आपका प्रिंसिपल जो है वो 20 के रेशियो में आ रहा है, अमाउंट जो है वो आ रहा है 21 के रेशियो में, राइट। कितना इंटरेस्ट मिल रहा दिखता हुआ, 1 किस पे मिल रहा था, 20 पे, मूलधन पर, तो 1/20 का मतलब कितना होता है 5%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई आ गई आपकी 5%। और इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इतनी आसानी से यहाँ पर उड़ा सकते हो, बशर्ते आपको ये पता हो कि कुछ स्क्वायर्स, यानी 1 से 15 तक आपको ये याद रखना होगा कि जो क्यूब्स होते हैं वो क्या होते हैं 1 से 15 तक, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं का यूज़ होता है। और आप अगर ज़्यादा याद रखना चाहते हो तो आप 1 to 25 तक के क्यूब याद कर सकते हो, इससे ज़्यादा के क्वेश्चन शायद नहीं मिलते हैं, ठीक है, ये याद करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो निकालने के तरीके सीख लो, निकालने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, दसियों तरीके होते हैं क्यूब को कितने आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, राइट। या तो आप मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में कि मैं बता दूं, या फिर आप अपने तरीके से इसको सीख लो, क्यूब निकालना, स्क्वायर निकालना, क्योंकि छोटी छोटी जो कैलकुलेशन होती हैं यही आपके टाइम को बढ़ने से रोकती हैं, ठीक है। तो आदमी कहता है विद इन अ टाइम आई हैव जस्ट डन ऑल ऑफ माय क्वेश्चन, और कुछ बच्चे कह पाते हैं सर टाइम कम पड़ गया इस वजह से मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया, तो वो फैक्टर यही छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके स्क्रीन पर, चलिए देखिए। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पेश किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्या रहा है, ए ने 600 रुपए की धनराशि बी को तथा एक धनराशि सी को 8.3% साधारण ब्याज की दर से उधार दी, ठीक है, 5 वर्ष पश्चात उसे बी और सी से कुल मिला के 400 रुपए ब्याज के मिले, तो ए द्वारा सी को उधार दी गई धनराशि क्या थी। देखो इस सवाल की लैंग्वेज इतनी शानदार है कि अगर पढ़ने में आपसे थोड़ी सी भी चूक हुई, पढ़ने में तो नहीं होगी, समझने में अगर चूक हुई तो सवाल आप गलत कर दोगे, ठीक है। कुछ लोग क्या समझेंगे इस सवाल को, मैं आपको बता रहा हूँ जो गलतियाँ होती, कुछ लोग ये सवाल को समझेंगे कि 600 रुपए थे ए के पास, उसमें से उसने कुछ बी को दिए कुछ सी को दिए, जो बी को दिए वो कितने होंगे, जो सी को दिए वो कितने होंगे, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.3% है और समय 5 वर्ष है। तो दो चीज़ें समझने की होंगी कि ऐसा नहीं है, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि उसने सिर्फ और सिर्फ बी को ही 600 रुपए दिए हैं, सी को कितने दिए ये आपको निकालने हैं, ठीक है। दूसरी बात ये समझनी है आपको कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.3% ये दोनों के लिए, बी और सी दोनों के लिए, बस अगर आप ये बात समझ गए तो सवाल खत्म हो गया। देखो ए ने बी को भी कुछ धनराशि उधार दे रखी और सी को भी कुछ धनराशि उधार दे रखी, बी को इसने 600 रुपए दिए, ठीक है, ध्यान से सुनना, 8.3% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्षों के लिए, और इसने सी को भी कुछ धन दिया नहीं पता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.3% वार्षिक और समय इसके लिए भी 5 वर्ष, कह रहा है इन दोनों से जो इसको इंटरेस्ट मिला है वो टोटल 400 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, तो आपको बताना है कि सी को उसने कितने रुपए उधार दिए थे, ये सवाल था, ऑप्शन आपके सामने। तो मैं क्या बोलता हूँ, जरा देखो, सबसे पहले आप ये समझ लो कि 8/3 का मतलब होता है 1/12, अगर आप इसको समझ लोगे तो ज़्यादा सरल हो जाएगा। तो भाई 600 का 1/12 कितना होता है 50, और 50 अगर एक साल में इंटरेस्ट मिल रहा है तो 5 साल में, यानी पहले भाग से इसमें से 250 रुपये इंटरेस्ट मिला होगा, दूसरे भाग से कितना मिलेगा 1/12 इसका मतलब है, अब इसकी तो धनराशि पता करनी थी ना हमको, तो क्या करेंगे इसकी धनराशि कैसे पता करेंगे, x गुणे 5/12 बराबर 400, ये घटा दो जाके उधर, तो यहां से आ जाएगा 5x/12 बराबर 150, डिवाइड करोगे 30 आ जाएगा और 12×3=36, यानी कि 360 रुपए उसने सी को दिए होंगे, तो सी को उसने कितनी धनराशि उधार दी है 360 रुपए, लो भाई सवाल खत्म हो गया, ये था सवाल सिंपल सा,
और ये भी जो एक्स वगैरह इस्तेमाल किया ना, ये भी आपको करना नहीं था। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप इसको मेंटली कर सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, समझ आया, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एयर स्ट्राइक में। आज के लिए मुझे लगता है इतना पर्याप्त है, काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और जो मैंने आपसे कमेंट करने के लिए कहा है उसको आप लोग ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है तबलीगी जमात को और कोरोना को। ठीक है, प्लस दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताया कि एक चीज़ के लिए और कमेंट करने के लिए कहा था कि आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो भी था एक उसके लिए, और तीसरी बात यह है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपको बढ़कर मिले, क्लास बढ़कर मिले, या इतना ही ठीक है, आप इसको बिल्कुल चैप्टर वाइज समझना चाहते हो, कैसे पढ़ना चाहते हो, ये भी मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय।